सरकार नहीं मानेगी, हमारे आदमी बॉर्डर पे हैं, हम यहाँ पे फांसी का फंदा है, फांसी पे लटकने के लिए तैयार हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं, जब तक हमारे आदमी को बॉर्डर से यहाँ पर नहीं बुलाए जब तक। नकरौना में सीवरेज प्लांट के विरोध में 125 दिन से धरने पर बैठे क्षेत्रवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने काम भी रोक दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले चेतावनी दी, जिसके बाद क्षेत्रवासी के नाम मानने पर सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पेयजल निगम नकरौंदा में सीवरेज प्लांट का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि सीवरेज प्लांट के निर्माण से यहां गंदगी फैलेगी और इससे भविष्य में बीमारियां फैलने का भी डर है। यही वजह है कि ग्रामीण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण का जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि देहरादून शहर की पूरी गंदगी उनके क्षेत्र में आएगी। साथ ही बताया कि शराब फैक्ट्री की दुर्गंध से चलते पहले से ही यहां के लोगों का जीना दुर्भर है और ऐसे में यदि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है तो इसमें लोगों का रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं सीओ अनिल शर्मा ने बताया कि पुलिस के कई बार समझाने पर भी ग्रामीण सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया। सरकार नहीं मानेगी, हमारे आदमी बॉर्डर पे हैं, हम यहाँ पे फांसी का फंदा है, फांसी पे लटकने के लिए तैयार हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं, जब तक हमारे आदमी को बॉर्डर से यहाँ पर नहीं बुलाए, जब तक हमारा पार्षद यहाँ पर नहीं आए, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। किस तरह की दिक्कत है, परेशानी होगी आपको? दिक्कत हम शराब फैक्ट्री से वैसे भी परेशान है, हमारे कॉलोनी लोग, अगर इन लोगों को सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है तो कॉलोनी के बीच में बनाओ, हमें यहाँ पर दूसरी जगह शिफ्ट करा दो, पूरी कॉलोनी को शिफ्ट करा दो, क्योंकि हम लोग वैसे भी शराब फैक्ट्री से परेशान है। क्यों सरकार बार बार पुलिस फोर्स हमको बार बार यहाँ बस में बिठा रही है, पुलिस फोर्स हमको डराने के लिए, इनको महिलाओं को गिरफ्तार करेंगे, जेल ले जाएंगे, हम यहाँ पे फांसी खुद जाएंगे, आप मत ले जाओ हमको पकड़ के, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारे आदमी बॉर्डर से यहाँ पर नहीं आए और जब तक हमारा यहाँ पर पार्षद नहीं आया पार्षद पति यहाँ पर नहीं आया, तब तक हम जेल नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा अपने धरना स्थल छोड़ के। देखिए, हम तो 122 दिन से इसी मांग को लेकर बैठे हैं कि यहाँ पर सीवरेज प्लांट नहीं बनना चाहिए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जितने भी सीवरेज प्लांट बने हैं नदी के किनारे बने हैं, नदी पर बने हैं, लेकिन सरकार को देखना चाहिए उन नदियों में बने हैं जहाँ नदियों पर सीधा क्षेत्र का मल दूषित होकर उस नदियों पे जाता है, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं। लेकिन यहाँ नकरौंदा की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। यहाँ पर दुलनी जो नदी है, ये हमारी पेयजल का स्रोत है, पेयजल की नदी है। यहाँ पर आप देहरादून के 40 वार्डों का मल लाकर और इस गाँव को उससे अलग कर उस मल को इस नदी में इकट्ठा किया जाएगा और फिर इसको फिल्टर किया जाएगा, ये कहाँ का न्याय है? एक नमामि गंगा के नाम पर आप जहाँ एक और भारत सरकार इस प्रकार के ट्रीटमेंट प्लांट उन नदियों पर लगा रही है जहाँ पर वास्तव में दूषित जल है, लेकिन आप देहरादून की गंदगी को लाकर यहाँ 40 वार्डों का मल इस नदी में मंथन करेंगे, उसका मट्ठा बना के मक्खन निकालेंगे और फिर यहाँ की आबादी की क्या स्थिति होगी? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये नदी दूषित है या नहीं है? ये पेयजल का स्रोत है, आपने इतना बड़ा दुस्साहस इस नदी पर लाने का क्यों किया? ये माताएं बहनें 125 दिन से यहाँ धरने पर बैठी हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है? आंदोलन जारी रहेगा, आप गिरफ्तारी हमें गिरफ्तार करेंगे, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, जेल डालेंगे, जेल जाने को तैयार हैं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ये जेल जाएंगे, उसके बाद दूसरा लोग मोर्चे को थामेंगे, वो जेल जाएंगे, तीसरे लोग मोर्चे को थामेंगे, जब तक सरकार का सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर नहीं आती, महिलाओं से वार्ता नहीं करती, हमें बताए कि अगर ये सही है तो हम धरना स्थल अपना आज ही खत्म करने को तैयार हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय मौके पर आएँ, महिलाओं से वार्ता करें और ये बताएँ कि ये नदी है या दूषित नदी है। हटाया गया था, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये सीवेज प्लांट बनाया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम में बाधा पड़ी हुई थी, काफ़ी दौर चले वार्ताओं के जो कि सफल नहीं हुए, उसके बाद ये बलपूर्वक कर्मचारियों को मारा पीटी कर रहे थे और सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि इनको हटाया जाए। तो तहसीलदार साहब जो सदर के तहसीलदार साहब आए, उनके द्वारा आदेश दिया गया कि इनको हटा दिया जाए, तो पुलिस द्वारा इनको हटा दिया गया। कहाँ ले जाया जाए अगर किसी के द्वारा, ये प्रिवेंटिव एक्शन है, इसमें कोई मुकदमा कायम नहीं होता है, 151 की कार्रवाई है और इनको पुलिस लाइन ले जाया जाएगा और इनको मुचल के अपमानित किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सरकारी काम में बाधा डालेगा तो उसके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा।